शशि भूषण दास राष्ट्रीय जन विकास पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। रोसड़ा विधानसभा से इन्होंने अपना नामांकन किया है और पार्टी के जीत को सुनिश्चित करने के लिए रोसड़ा में प्रचार अभियान में लगे हुए हैं। अरे मैं राष्ट्रीय जन विकास पार्टी से करवाया हूं और मैं राष्ट्रीय जन विकास पार्टी का एक प्रदेश अध्यक्ष भी हूं। मैं हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम लोगों ने सारे लोगों ने मिलकर के ये पार्टी का निर्माण किया और लगभग है सो कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले हमारी पार्टी का है सो सिंबल मिला है और पार्टी का सिंबल मिला जो मेरा सिंबल है बेबी वाकर छाप है और मैं बिहार के है सो लगभग में 25 से 30 विधानसभा से हमारा है सो प्रत्याशी लड़ रहा है और मैं भी आज देख रहे हैं कि मैं भी रोसड़ा विधानसभा से अपना पर्चा है सो दाखिल किया हूँ और मैं भी इस रोसड़ा विधानसभा में अपनी कुछ को भरा हूँ और हमें उम्मीद है। इतना दिग्गज लोग हैं यहाँ पे नामांकन किए यहाँ पे और उसमें आप एक हैं, अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? अरे हमारे नजदीक तो कोई दिग्गज दिखाई नहीं देता है। अरे हमारे शकल को देखिए, मेरे संस्कार को देखिए, मेरे संस्कार के नजदीक है सो कोई दिग्गज काम करेगा आ कोई रहेगा ये पहले बताइए। तो वही हमारे शशि भूषण दास के टक्कर में कोई नहीं है, ये बात जान लीजिए। और शशि भूषण दास का जितना भी जनसेलाब है, शशि भूषण दास को गरीबों और अति पिछड़ों पर पूरा विश्वास है और शशि भूषण दास को एक एक वोट देगा। और खास करके मैं बिहार के उन लोगों को ये तमाचा मारना चाहता हूँ, चूंकि मैं भी एक पौन जाति से आता हूँ। आज हम लोगों की भी आबादी पूरे बिहार में 85 लाख है और 85 लाख मतदाता रहते हुए भी हमारे समाज को है सो किसी भी राजनीति दल द्वारा टिकट नहीं दिया गया। इसीलिए शशि भूषण दास आज समस्तीपुर की धरती से ये आगाज करता है और रोसड़ा की धरती से मैं भी है सो गरीबी मिटाने के लिए आया हूँ। मैं गरीबों का है सो मचिया बनने के लिए आया हूँ। अगर गरीबों का विश्वास होगा शशि भूषण दास को जरूर है सो अपना एक एक मत दे करके शशि भूषण दास की लगता है जीत। हाँ मैं जीतूंगा, मुझे पूरा विश्वास है। मेरा जीतने के बाद पहले मेरा एजेंडा एक ही होगा, स्वास्थ्य शिक्षा में सुधार करना। और जो भी आप देख रहे हैं लॉकडाउन की स्थिति में गरीब लोग जो है सो रोजी रोजगार के लिए बाहर प्रदेश जाते थे, मैं उसको बंद करूंगा। अगर मैं जीतता हूं तो मैं सदन में विधानमंडल में विधानसभा में जाकर के है ना बैठूंगा और जनता के साथ बैठूंगा और जनता को जो हक है और हकूक है वो मिलना चाहिए। हम देखे हैं भाई है तो बहुत सारे जो गरीब लोग हैं, दलित लोग हैं, पीड़ित हैं, देख रहे हैं उनकी स्थिति क्या है, उनको खाने के लिए वो लाले पड़ रहे हैं। ये बाढ़ राहत में बाढ़ में भी हम देखे थे कि बाढ़ में लोग है तो पानी उपछ रहे थे अपने घर से और मैं वहां पर जाकर के हमसे जो संभव हो सका मैंने उनको मदद किया। और मेरी सांस जब तक चलती रहेगी ये मैं वादा करता हूँ शशि भूषण दास अपने शरीर का एक एक कतरा उन गरीबों के लिए, उन मुस्लिमों के लिए, उन मासूमों के लिए हमेशा देते रहेगा।